इट्स पाथफाइंडर क्वेश्चंस वन लाइनर बेसिकली, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव में जितने भी अब बचे हैं दैट्स क्वाइट सिंपल, तो वी हैव टू मूव टू सब्जेक्टिव बेसिकली। लेट्स सी, टू इक्वल पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्जेस ए एंड बी आर फिक्स्ड ऑन द वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट कैन यू से फॉर द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रॉड प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पड़ा है, रॉड मान लीजिए। ठीक है सर, अब एक तो इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि ये डिस्टेंस कितनी है, एक इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि ये कितनी स्मॉल है ना। आप कहने को ये कह सकते हो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा सर, इंड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज दूर है, किसने कहा दूर है, इसने कहा ये स्मॉल है, लेकिन कितना स्मॉल। अगर ये डिस्टेंस दे रखी होती और ये लेंथ भी दे रखी होती तो मैं ये कह सकता था, या ये गिवन होता कि मान लो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस कितनी है सर आर है, अगर ये गिवन होता कि एल बहुत बहुत बड़ा है आर से, है ना, एल बहुत बहुत बड़ा है आर से, तो मैं ये कह सकता था कि जो चार्ज है वो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नो फोर्स एट ऑल। ठीक है सर, और हमको ये भी नहीं पता कि अगर जो L है वो R की कंपेरेबल है या नहीं है। अगर L R की कंपेरेबल होता तो ये नेगेटिव चार्ज और इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस होती तो ये इधर मूव करते, तो ये आंसर भी हो सकता था। पर हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता इस यहाँ से यहाँ तक के L और इस लेंथ R के बारे में, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, तो इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट शुड बी द आंसर, क्योंकि हमको L और R के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है।